थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से। विदेश रे कहिले राहुल, देश रे उठिला झड़। विरोधी क्षमा दाबी कला शासक दल। लोकसभा राज्यसभा बीजेपी मातिला, कांग्रेस तार जवाब देला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वक्तव्य को नहीं पुणि थरे विवाद सृष्टि होई। निकटरे राहुल इंग्लैंड गस्त समय भारत विभिन्न स्थिति को नहीं टिप्पणी देते। न्यायपालिका आरंभ कर गणमाध्यम पर्यंत समस्ते चापरे रही बोली कहते। वर्तमान केन्द्र सरकार समय संविधान को भ्रुक्षेप करना मत रखी। सोमवार संसद बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्याय आरंभ होबा मात्रे उभय गृह झड़ सृष्टि कर। राज्यसभा गृहर नेता पीयूष गोयल यार निंदा करते। राहुल विदेश गस्तर जा देशर छवि खराब कर। लोकसभा संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी यह राहुल क्षमा प्रार्थना करंतु बोली दावी कर। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी, देश में लोकतंत्र का गला घोटा था, ऐसे व्यक्ति को भारत के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने भारत के देशवासियों से, भारत की जनता से, और मैं समझता हूं कि सभी जो लोग इस विषय में विश्व भर में देख रहे हैं सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत का आज जो गर्व, जो गुणगान पूरे विश्व में हो रहा है उसका इंसल्ट किया है राहुल गांधी जी ने, और राहुल गांधी जी ने सदन में आके माफ़ी मांगनी चाहिए बजाय के विदेश में घूमते रहें और भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाएं। इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश में, विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर अस्पर्शन, कास्ट अस्पर्शन नम स्पीकर चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं। सर व्हेन द प्राइम मिनिस्टर लुक्स, देन प्राइम मिनिस्टर लुक्ड हेल्पलेस, वेयर आर द डेमोक्रेसी सर। ऐसे व्यक्ति जाके जब पूरा मौका मिला है उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे, उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं, मैं ये टोटल कंडम करता हूं। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन कंडम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए, यही हमारा डिमांड है। कांग्रेस यार जवाब देछि। राज्यसभा रे यार उत्तर रखिछंती विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। जो व्यक्ति गृहर सदस्य नुहंती तांको विषय रे कही पीयूष निजर गारिमा हराउछंती बोली से कहिछंती। ता छोडा भारत रे जहां घटुछि तहा सारा दुनिया जानिछि, तेणु क्षमा मागिबार प्रश्न उठुनी बोली से तांको जवाब रे कहिछंती। सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है। राहुल विदेश में देखा वक्तव्य को नहीं उभय गृह कार्य बाधाप्राप्त हो। उभय शासक एवं विरोधी पक्ष निज निज जिद्रे अड़ी बसी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।